Hey, so what's up guys, welcome back to our channel Technical Bihari। तो यार आ गया एक न्यू और फ्रेश वीडियो लेकर के। यार आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है अगर आप एक गेमिंग यूट्यूबर है तो, बिकॉज ऐसी वीडियो जो है ना हर यूट्यूबर लेके नहीं आता है। आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी अपना जो गेमिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में, और उससे कैसे जो आप अर्निंग कर सकते हो। तो बस वीडियो में बने रहो, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और ये गेमिंग वेबसाइट क्रिएटिंग की पार्ट वन वीडियो है, इसी तरह से मैं आपके लिए पार्ट टू पार्ट थ्री इसी तरह से वीडियो लेकर के आऊँगा। कंप्लीट गाइड यानी कंप्लीट नॉलेज आपको मैं दूंगा जिससे आप गेमिंग वेबसाइट क्रिएट करके यार अच्छी खासी अर्निंग जो कर सकोगे। तो यार बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटे के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से प्रेस करना, और वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं तो लाइक कर दो। चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को गेमिंग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जीमेल अकाउंट होगा तभी आप जो है गेमिंग वेबसाइट क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक जीमेल अकाउंट, फ्रेश जीमेल अकाउंट क्रिएट करके रखा है। आपको भी एक न्यू ईमेल मतलब जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप सभी को सिंपल सा गूगल पे आ जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है ब्लॉगर। हाँ गाइस सही सुन रहे हो, ब्लॉगर। ब्लॉगर पे हम गेमिंग वेबसाइट बनाएंगे, एकदम प्रोफेशनल गेमिंग वेबसाइट। जैसे आप सभी ब्लॉगर सर्च करोगे यहाँ पे फर्स्ट पे ये आ जाएगा blogger.com। जैसे आप इस blogger.com पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप सभी को कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा हो। तो आप सभी को सिंपल सा करना क्या है, सिंपल सा आप सभी को यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। जैसे आप सभी क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करोगे यहाँ पे बोलेगा आप सभी को उस जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए जिससे आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड उसके बाद में नेक्स्ट। जैसे ही आप कर लोगे साइन इन, उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को चूज अ नेम ऑफ योर फॉर योर ब्लॉग। आप सभी को यहाँ पे अपना ब्लॉग का जो टाइटल यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक टाइटल दे देता हूँ, आप अपना जो एकदम यूनिक टाइटल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को ब्लॉग का यूआरएल डालना है, और तो यहाँ पे आपको यूआरएल देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं डाल रहा हूँ। अगर वो यूआरएल अवेलेबल नहीं होगा तो ये खुद ब खुद ही आपको बता देगा। तो जैसे कि ये एक अवेलेबल है, मैं यहाँ पे गेमर लगा देता हूँ बिकॉज हम एक गेमिंग वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं गेमर लगा देता हूँ, गेमर यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद में आप सभी को करना क्या है, नेम एंटर करने के बाद में यूआरएल एंटर करने के बाद नेक्स्ट करना, देन यहाँ पे डिस्प्ले नेम पे आना। डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, पूरा एकदम फुल ट्यूटोरियल मतलब पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाएंगे, पार्ट बाय पार्ट आप सभी के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, बिकॉज अगर मैं एक साथ में बताऊँगा तो कभी भी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। ये करने के बाद ना फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना। फिनिश वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे इस सबको अभी आपको कट कर देना है। कट कर देने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लास्ट में आऊँगा यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद में यहाँ पे आप सभी को टाइटल देखने को मिल रहा होगा जो कि हमने पहले डाला था ब्लॉग का टाइटल। अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा बिकॉज मुझे लगा वो टाइटल के हिसाब से मेरा यूआरएल आ जाएगा, बट वहाँ पर नहीं आया तो मैं अपने URL के हिसाब से यहाँ पे टाइटल जो को जो रख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन, अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन एकदम यूनिक रखना। अगर एक गेमिंग चैनल है तो पहले मतलब आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे हिंदी में टाइप कर देना एंड आपका जो गेमिंग मतलब गेमिंग में जो भी है मतलब एंटर कर देना। अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना एकदम यूनिक डिस्क्रिप्शन बस अपना डाल देना ब्लॉग का, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पे आता है नेक्स्ट ब्लॉग का लैंग्वेज। ब्लॉग का लैंग्वेज को आपको कुछ भी नहीं करना है, इंग्लिश ही रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फेव आइकन। फेव आइकन जो है वो भी आप सभी को नीचे दिख रहा होगा, फेव आइकन का, फेव आइकन को जो आपको ऐड करना ही है, क्योंकि गाइस एडसेंस का अगर अप्रूवल चाहिए तो भाई सब फेव आइकन लगाना है। सब चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे अर्निंग करना है, तो बस वीडियो में मेरे साथ बने रहो। गाइस यहाँ पे आप सभी को जो 100KB की ही मतलब इमेज को ऐड करना है तभी जो आपका यहाँ पे फेव आइकन ऐड होने वाला है। उसके बाद में सेव कर देना, ठीक है। ये सब करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है ब्लॉग का एड्रेस, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो रहने देना, वैसे चेंज करना चेंज मत करना, ठीक है। उसके बाद कस्टम डोमेन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कस्टम डोमेन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्री ब्लॉग की बात कर रहे हैं, फ्री गेमिंग वेबसाइट की बात कर रहे हैं।
तो ये सब करने के बाद में ब्लॉग तो हमारा अब क्रिएट होगा, ब्लॉग तो हमारा अब क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे हम जो इस पर गेमिंग की वेबसाइट बनाएंगे, मतलब गेमिंग का लुक कैसे देंगे, गेमिंग की थीम कैसे लाएंगे। तो उसके लिए आप सभी को सिंपल सा गूगल पे फिर से आ जाना है, वहाँ पे सर्च करना है हॉट गेम्स एंड उसके बाद में यहाँ पे डाल देना ब्लॉगर टेम्पलेट। एंड ब्लॉगर टेम्पलेट जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आप सभी को देखने को मिल रहा होगा गेमिंग की टेम्पलेट्स की। तो यहाँ पे आप सभी को फर्स्ट जो है हॉट गेम्स गेमिंग ब्लॉगर टेम्पलेट्स, इस पर आप सभी को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी क्लिक कर दोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसी इस मतलब वेबसाइट की कैसा ये वेबसाइट दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे ऑप्शन, जो भी करना है कर लो यार क्या है। तो यार यहाँ पे हम ये इसकी लाइव प्रीव्यू नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली जो डाउनलोड करेंगे। तो गाइस यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लोज कर देना एंड आपका जो डाउनलोडिंग हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का जिप फाइल आप सभी के सामने आ जाएगा। तो जिप फाइल को सिंपली आप सभी को जो है ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद में यहाँ पे इसको इस पर राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद में आप सभी को इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हेयर करके रखा है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं करूँगा। सिंपली अब हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के ब्लॉगर पे एंड उसके बाद मैं बताता हूँ इसको ऐड कैसे करना है। तो सिंपल से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे थीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कस्टमाइज के साइड में जो है एरो टाइप का है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिस्टोर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना। रिस्टोर वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना एंड अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ से आपको उस ब्लॉगर के जो XML डॉक्यूमेंट्स फाइल को जो है यहाँ पे ऐड कर देना। ये देखिए हॉट गेम्स गेमिंग के नाम से XML डॉक्यूमेंट्स है तो इसको आप सभी को सिंपली ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे रिस्टोरिंग स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आपका जो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। जैसे ही रिस्टोर होता है मैं आपको बता दूँ आगे करना क्या है। यार वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं हो तो यार लाइक कर दो, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये सब करने के बाद में अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मतलब अभी हम देखते हैं अपनी ब्लॉग की मतलब कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ब्लॉग कैसे कैसा देखने में लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको एक ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है अभी फ़िलहाल, इस पर बहुत सारे ऐसे फालतू चीज़ें हैं जिसको हमें कस्टमाइज़ करना है, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा कैसे कस्टमाइज़ करना है, पार्ट बाय पार्ट वीडियो आने वाला है। गाइस मैं आपको बता दूं मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया था, अब मैं उस वेबसाइट पे यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज मैंने इसको बहुत पहले ही यूज़ किया था मतलब क्रिएट किया था। तो इसको मैं बस आप सभी को दिखाना चाहता हूँ इसी थीम पे जो है, इसी ब्लॉगर के टेम्पलेट्स पे जो है ये मैंने इस वेबसाइट को बनाया था। कुछ इस टाइप का ये वेबसाइट बना था, देख सकते हैं हिडन टेक के नेम से मैंने पहले ही ये क्रिएट किया था। कुछ इस टाइप का जो है ये वेबसाइट का इंटरफेस है पूरा, देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा बट कूल लग रहा है मुझे देखने में। कुछ इस टाइप का मैं जो बनाने की कोशिश करूँगा इस वेबसाइट को भी, कुछ इस टाइप का डिस्क्रिप्शन चलता है। देखो यहाँ पे सब्सक्राइब का है, कोई भी क्लिक करेगा तो सब्सक्राइब सीधे मेरे चैनल पे जाएगा और सब्सक्राइब कर सकता है। यहाँ पे लेवल्स वगैरह जो भी है ऐसे ही बनाएंगे, एकदम मस्त सब ब्लॉग बनाएंगे, वीडियो में बस बने रहो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ एंड इस पे अभी हमें कुछ नहीं करना है। अभी जो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या करना है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो आप सभी को ना अपने ब्लॉगर पे आ जाना है एंड आने के बाद में यहाँ पे मैं इसके साइड में जितने भी मतलब टूल्स वगैरह जो भी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट है जो कि हम पोस्ट डालेंगे, उसके बाद में स्टेटस है कितने व्यूज़ वगैरह आए वो सब दिखेंगे, देन कमेंट्स है कितने कमेंट्स आए, अर्निंग है अगर आप जब हमारे एडसेंस को जोड़ना होगा तो यहीं से हम जोड़ेंगे, उसके बाद पेजेस वगैरह है, पेजेस कॉन्टैक्ट वगैरह का, फिर लेआउट वगैरह है, लेआउट वगैरह में जो हमें एडिट वगैरह करना है वो सब करेंगे इसी यहीं से। तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे जो कुछ पोस्ट लिख लेने हैं, लगभग 10 से 12 पोस्ट जो आप सभी को यहाँ पे लिख लेने हैं, तब जो आप लोग को कस्टमाइज़ करोगे ना तो काफ़ी अच्छा मतलब अच्छे से आप कस्टमाइज़ कर पाओगे, दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले 10 से 12 पोस्ट जो है यहाँ पे लिख लेना है और ये स्टेप एंड्रॉयड यूज़र भी मतलब कर सकते हैं ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जब भी आप यहाँ पे ब्लॉग पे मतलब लिखो तो अपना जो है अच्छे से एकदम प्रोफेशनल लिखना, सब चीज़ें इमेज वगैरह ऐड करना। गेमिंग का वेबसाइट है तो गेमिंग रिलेटेड, जैसे हाउ टू डाउनलोड GTA 5 वगैरह, ऐसी कीवर्ड डालोगे तो बहुत चलेगा। मैं ये भी बताऊँगा कैसे मतलब हाई सर्चेबल कीवर्ड सर्च करते हो, उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा। तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह जो भी चेंज करना है, बोल्ड करना है, वो सब यहाँ से कर सकते हो। कलर वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल सा एकदम अच्छे से कैसे आर्टिकल लिखना है, अगर उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। तो आप सबको यहाँ पे 10 से 12 पोस्ट लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो आप सबको लेबल्स तो लिखने ही हैं, साइड में लेबल्स यानी किसके रिलेटेड आप जो है पोस्ट बना रहे हो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे लेबल जो है वो लिख लेना है। लेबल लिखने के बाद में यहाँ पे परमा लिंक जो है उसको भी यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके लिख लेना जो भी है अच्छे से, एंड इसके बाद पब्लिश कर देना सबके ऊपर अच्छे से। मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर गया हूँ, ये वीडियो था सिर्फ क्रिएटिंग के ऊपर एंड मतलब ब्लॉगर पे गेमिंग थीम को कैसे, टेम्पलेट को कैसे रिस्टोर करते हैं, कैसे आर्टिकल लिखते हैं। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस मिलते हैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।